अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि ग्रेस मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, किन बच्चों को दिए जाएंगे और कितने दिए जाएंगे, मतलब दिए भी जाएंगे इस साल या नहीं। देखो, ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिकॉज हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मार्क्स की बात आए और बच्चे वीडियो ना देखे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, राइट? तो अगर मैं पहली बात ये बताऊँ, इस साल ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। देखो, ग्रेस मार्क्स हमेशा दिए जाते हैं, हर एक साल दिए जाते हैं। और अगर हम बात करें ग्रेस मार्क्स, हम जिनको स्टैचू मार्क्स बोलते हैं, वो दिए जाते हैं। अब किन बच्चों को दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं, इस साल देंगे या नहीं, हाँ, इट इज फॉर श्योर इस साल भी आपको ग्रेस मार्किंग होगी। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं कितने मार्क्स दिए जाएंगे, सो इनकी रेंज होती है 1 से लेकर 5 तक, या कभी 1 से लेकर 6 तक। तो अगर हम बात करें 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 5 तक, तो आपको जो मिनिमम ग्रेस मार्क्स है वो 1 मिल सकता है, मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स आपको 5 मिल सकते हैं। ठीक है, अब किन बच्चों को मिलेंगे, कौन बच्चे एलिजिबल है इसके लिए? देखो, पहली बात मैंने ये बताया, इस साल तो ग्रेस मार्क्स पक्का मिलेंगे, राइट? तो अब अगर मैं बात करूं कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं, कोई बच्चा ये बताएगा जब उनका रिजल्ट निकलेगा वो 5 सब्जेक्ट में पास है, तो उसके अगर फॉर 400 मार्क्स आते हैं, तो वो सोचेगा मेरे 400 आए और 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स बोर्ड वाले देंगे, तो 405 मेरे टोटल आएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं, ग्रेस मार्क्स ऐसे बच्चों को नहीं दिए जाते। ग्रेस मार्क्स उन बच्चों को दिए जाते हैं जो सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाते। अब ये नहीं कि वो 6 मार्क्स से फेल हो रहा है तो उसको पास कर दिया जाएगा, नहीं। अगर उस बच्चे के फॉर एग्जाम्पल 4 सब्जेक्ट्स पास है और 1 सब्जेक्ट में फेल है, और उस सब्जेक्ट में उसके पास होने के लिए सिर्फ 5 मार्क्स पेंडिंग है या 4 मार्क्स पेंडिंग है, तो उसको वो 5 मार्क्स या 4 मार्क्स या 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स वो दिया जाएगा, और वो आपके रिजल्ट शीट पे मेंशनड होगा एज ए स्टैचू मार्क्स, वहाँ पे एस होगा और साथ में नंबर ऑफ मार्क्स कितने आपको दिए गए हैं। ठीक है, पहले मार्क्स लिखे होंगे 100 में से आपके कितने आए, फिर साइड में टोटल मार्क्स लिखे होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके 33 मार्क्स पास है और आपके 28 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे S5 लिखा होगा, मतलब स्टैचू मार्क्स जो है आपके 5 आगे होंगे। तो ये बात होती है ग्रेस मार्किंग की। अगर किसी बच्चे के फॉर एग्जाम्पल 3 सब्जेक्ट पास है और 2 सब्जेक्ट में, एक में 2 मार्क्स पेंडिंग है, एक में 3 मार्क्स पेंडिंग है, तो टोटल मिला के 5 आते हैं, राइट? तो उसको 1 में 2 दिए जाएंगे, 1 में 3 दिए जाएंगे और उसके दोनों सब्जेक्ट्स पास किए जाएंगे। अब अगर किसी के 5 सब्जेक्ट्स फेल है, मतलब एक मार्क्स उसका पेंडिंग है हर एक सब्जेक्ट में, तो 5 सब्जेक्ट में उसका एक मतलब स्टैचू दिया जाएगा और उसको पास कर दिया जाएगा। अब अगर किसी बच्चे के फॉर एग्जांपल 1 सब्जेक्ट में 3 मार्क्स पेंडिंग है और दूसरे सब्जेक्ट में भी 3 मार्क्स पेंडिंग है, मतलब 2 सब्जेक्ट टोटल मिला के 6 होते हैं, तो उसको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, टोटल हमें 5 आना चाहिए, सम ऑफ पेंडिंग मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उसको सम अप करेंगे तो टोटल 5 मार्क्स मैक्सिमम आने चाहिए, तब आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि आपकी जो मार्किंग है वो बहुत ही लीनियंट होगी इस साल, बिकॉज आपको भी पता है कि हर एक पेपर लगभग हार्ड था, हार्ड इन द सेंस मतलब लेंथी थे, राइट, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, राइट? सो इसीलिए आपकी जो मार्किंग है वो भी लीनियंट होगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँ एडवांस में, ईद मुबारक, कल हमारी ईद है, सो वंस अगेन ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। नीचे मुझे कमेंट्स में भी चाहिए, राइट? मे बी आज शाम को हम लाइव सेशन एक करें, वहां पे आपको जो भी पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नीचे कमेंट्स में बताना कि मैं आऊं या नहीं, अराउंड शाम 9 बजे। ओके, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बोलना। सो बाकी अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर, शेयर करो हर एक बच्चे के साथ। साथ ही साथ हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।